काटा तो हाथ गया तेरा शार्क। ये जो गाइस शार्क है ना, ये ना कांच तोड़ी थी गाइस एक बार इस शार्क ने, सबसे बड़े वाले ने। हाथ डालना है तुमको, डेडली चैलेंज करना है शार्क के टैंक में, डालोगे हाथ? हाँ। तो हे गाइस, तो कैसे हो सब लोग? तो गाइस आज हम लोग सबसे डेंजरस डेडलीस्ट फिश लेके आने वाले हैं, हमारा फैमिली मेंबर रोहन। क्या हो सकता है वो? संकेत भाई। अरे संकेत भाई नहीं यार, हम लोग जो है सबसे डेडली फिश लेके आने वाले जो है शार्क। अरे भाई, तो गाइस एक्वेरियम वाली शार्क, सी वाली शार्क नहीं, एक्वेरियम वाली शार्क लेके आएंगे, जो लीगली तरीके से लेके आते हैं एक्वेरियम में, जो रहती है लीगली वो। अच्छा, जो सी वाली शार्क होती है वो इलीगल होती है एक्वेरियम में रखने के लिए, क्योंकि वो बहुत डेंजरस होती है, वो ना इंसानों को तक खाती है, तो वो शार्क नहीं लेके आएंगे हम लोग, एक्वेरियम वाली शार्क लेके आएंगे। लेकिन शार्क तो शार्क है ना। समझ रहे हो? भरोसा नहीं भाई, शेर तो शेर होता है, ऐसे शार्क को शार्क ही होगी। वैसे ये जो है शांत प्रकार की शार्क होती है, ये जो है स्टार्टिंग से लेके इसमें टैंक में ही रही हुई रहती है। तो गाइस बहुत बड़ी लेके आने वाले, अभी तक मैंने छोटी शार्क लेके आई है, लेकिन आज तक की मेरी सबसे बड़ी वाली शार्क मैं लेके आने वाला हूँ। तो चलो गाइस यहाँ पे वीडियो को वहां पे मार्केट में जाते हैं अंकल के पास में, और अंकल के पास से जो बड़ी वाली शार्क उठा के लेके आते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सो गाइज अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, और गाइज आते ही गाइज हमें देखो गाइज स्टार्टिंग में ही गाइज यहाँ पे बहुत बड़े बड़े वाले ओपी ओपी वाले शार्क दिखे। तो गाइज ये देखो बहुत बड़े गाइज, ये शार्क के लिए ना रोहन बहुत बड़ा टैंक लगेगा, ये अपने इसमें नहीं रहेंगे, इसमें नहीं बैठेगा। लेकिन गाइज ये देखो बहुत खतरनाक है गाइज इनका साइज। ये जो गाइज शार्क है ना, ये ना कांच तोड़ी थी गाइज एक बार इस शार्क ने, सबसे बड़े वाले ने, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो इसलिए इसके जो ओनर थे इसको वापस देखे गए, तो इधर शॉप के ऊपर ऐसे अंकल ने बोला इसका जो मतलब इसने कांच तोड़ दी थी फिश टैंक की, मतलब इतने स्ट्रांग है शार्क भाई साहब, और बहुत ही डेंजरस भी है गाइज। वैसे तो अभी ये शांत किस्म के होते हैं, ये जो ब्रीड होती है एक्वेरियम वाली शार्क होती है वो एकदम शांत वाली होती है, और लेकिन गाइज अब इनको दांत है या नहीं है पता नहीं मुझे, लेकिन देखो गाइज ये खा रही है। देखते गाइज अगर आप लोगों को दांत नहीं दिख रहे गाइज, मेरे को तो दांत दिख नहीं रहे इनके, गजब बेइज्जती है, बिना दांत की हो है शायद से ये शार्क। गोल्ड फिश भी है। हाँ ये तो कोई है, गोल्ड फिश नहीं, कोई है ये। लेकिन ये देखो गाइज इतने बड़े शार्क क्या करे गाइज, ये वाले शार्क लेके जाए इसके लिए इतना बड़ा टैंक लगेगा, उसके अंदर एक आरवाना भी है देखो गाइज, सांप जैसा वो आरवाना, ये भी बहुत खतरनाक फिश है, बहुत कॉस्टली फिश है। लेकिन अभी हम लोग शार्क लेने आए हैं, सबसे डेंजरस फिश यहाँ पे, डेडली फिश लेंगे, ठीक है? संकेत भाई रेडी हो? शार्क आए, मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार। कर देंगे भाई, ब्लैक शार्क। तुम्हारे घर पे भी है ना? हाँ है ना एक बार। अच्छा, अभी इस मीडियम साइज का शार्क ले रहे, बड़ा ही लेंगे लेकिन मीडियम साइज का शार्क ढूंढ रहे, क्योंकि भाई यहाँ पे इतने बड़े शार्क जो है ना, तो मेरे को नहीं लगता अपने टैंक में रहेंगे, अंकल ने भी बोला कि नहीं रहेंगे वो, दिल से बुरा लगता है भाई। पे ये जो शार्क है देखो गाइस बिल्कुल संकेत भाई के जैसा ही खा रहा है। संकेत भाई तुमको कुछ लग रहा है तुम्हारे भाई बहन है ये? भाई तुम्हारे जैसा ही खा रहा है ये, एकदम खतरनाक तरीके से भुक्कड़ है बहुत ज्यादा। कम खाता है बोले मेरे से। कम खाता है अंकल, इसके पास कुछ है क्या आपके पास खाने के लिए? इसको दो दरा, इसको खाने के लिए बहुत चाहिए होता है। सामने मोमोज की खुशबू आ रही है, मेरे को बोल रहा है मोमोज दे वरना वीडियो में बात ही नहीं करूंगा, चिढ़ रखा है मेरे से। अरे चलो गाइज अभी ना हम लोगों ने एक और यहाँ पे शार्क, ये अलग अलग तरीके के फिश तो देखे, सिल्वर शार्क है गाइज और ये एल्विनो रेड शार्क है, ठीक है? लेकिन ये बहुत छोटे हैं यार, छोटे में मजा नहीं, अपन लोग लेंगे तो देखो गाइज मेरे को ये वाली पसंद आई है, देखो ये वाली मीडियम साइज की भी है और बड़ी भी है, तो गाइज ये वाली शार्क लेके जाएंगे हम लोग घर पे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अभी अंकल जो है कैरी बैग का जुगाड़ करने गए हैं, ठीक है? तो बड़ा शार्क है तो गाइज कैरी बैग तो बहुत बड़ी लगेगी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, और यहाँ पे संकेत भाई शार्क, हाथ डालना है तुमको, डेडली चैलेंज करना है शार्क के टैंक में, डालोगे हाथ? इसे पकड़ेंगे और सीधा। अरे वो खाना नहीं है, खाना नहीं है, पानी में, साले सब चीज में खाना चाहिए, सब बस्ती का हस्ती लो, अगले भाई लोग अभी कई किलो, सब चीज में खाना चाहिए, सब चीज में खाना चाहिए, इसलिए भैंसा हो रहा है साले। हमारे जैसे जिम कर, डाइट वाइट फॉलो कर, देख रहे तू ये मसल्स, देख रहे तू मसल्स, देख रहे साइड में लगा देना मुंह, सेम लगता है गाइस, कमेंट करके बताना। और मेरा अगर मेरे साइड में अगर कोई मेरे जैसा लगता है तो गाइस वो जस्टिन बीबर है। शर्म करो, भगवान से डरो। तो गाइस यहाँ पे आप लोग टॉपिक चेंज। तो गाइस यहाँ पे अलग अलग तरीके के फिशेस हैं, तो मैं आप लोगों को सारे फिशेस
का थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और बता देता हूँ, गप्पी है ठीक है। और अंकल के पास में देखते गए कौन से वैरायटीज है, अगर कुछ अलग भी देख लिया ना आपने तो अलग मीनिंग। ये भाई टिट्टू से फिश, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, इसमें भी शार्क है भाई, अंकल ने हर जगह पे शार्क डाल के रखे जेब्रा टाइगर है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये स्मॉल गप्पी है, अगर इनको अगर अरे देखो गाइस किस तरीके से भाग रही है, बस हवा निकल गई। और ये घोस्ट फिश, नहीं ये घोस्ट फिश नहीं है, ये कुछ और फिश का नाम है, घोस्ट फिश नहीं है शायद अंकल के पास, मोली। ये देखो गाइस कितनी प्यारी है ये, ठीक है। तो अभी ये देखो और एक है यहाँ पे, और भी बहुत सारी फिशेस है, ये एक अलग ब्रीड के है, ये भी एक अलग ब्रीड के है। देखो गाइस इसमें ना भाई बहुत खतरनाक वाले टाइगर जैसे ना ये आते हैं, ये देखो ये वाली भी है ठीक है, ये भी प्यारी है कुछ, मतलब ये नए नए यहाँ पे एंजल फिशेस, देखो ये फिशेस बहुत प्यारे लगते हैं गाइस, देखो ऐसा लगता है कि हवा में फ्लाई कर रहे हैं इसे, इसलिए एंजल लगते हैं भाई, एकदम एंजल के जैसे। और ये भी देखो ये जो है गुरामी है, और ये शार्क है। तो अभी अपन लोग सबसे खतरनाक वाला शार्क लेंगे, अंकल कैरी बैग रेडी है? हाँ। तो वो वाला शार्क लेना है हमको, उस पर मीडियम शार्क, मीडियम वो रह जाएगा ना, इतना बड़ा तो टैंक होगा हमारा, इतना बड़ा रह जाएगा। चलो ठीक है अंकल भाई, अंकल जो है यहाँ पे पूरे रेडी हो चुके हैं। संकेत भाई रशियन मछली, अरे वो शूट पे अंकल काऊ का खाना मंगा रहे है ना अंकल, कौन से काऊ का? हाँ गाय का, भेजो ना भेजो ना। हाँ ये, अरे यही तो गाय है, इसको रखो आपके पास बांध के यहाँ पे एक दो लाख में ले लेगा कोई अंकल मुंह पे बैठती है। सो गाइस अभी कल दिल्ली IIT में भी जाना, बोलना नहीं था लेकिन अंकल ने भी मजे ले लिए भाई, संकेत भाई उस दिन होली में जो वो थे ना वो भैया, उन्होंने भी मजे लिए थे साला भूत चिढ़ गया गाइस, इसको मोमोज चाहिए। चलो गाइस इसकी बेइज्जती पे मोमोज फिक्स करे ठीक है, चलो हाँ देखा कितना खुश हुआ देखा। देखिए सर अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्कशन में अभी हैं। वाली फिशेस भी देखो भाई ऐसे लग रही है कि ये प्रेग्नेंट है भाई, सबको पोट पेट आ चुका है संकेत के जैसा है देखो चार महीने का पूरा तो बोलने थे, चार महीना चौथा महीने का राशन जो है पेट में भर के खत्म। तो भाई वो रशियन के साथ थोड़ा कम रहे, और रशियन की गारंटी नहीं है यही हाल होगा रशियन के साथ, होगा तो तेरे साथ मैं नहीं रहता, मैं उसके साथ ये रोन रहता उसके साथ। रोन भाई हंसी बन गए, शांत हो गया जी भी ये शांत रोन ना बड़ा शांत रह के जो अच्छा अच्छा काम कर लेता है। चलो अंकल अपन निकालते हैं, अपन फिशेस निकालते हैं गाइस। अब अंकल जो है गाइस सबसे बड़ा वाला शार्क निकालने वाले, वो देखो तो अंकल बोल रहे वो बाहर आएगा नहीं क्योंकि पानी में से सीधे थैली में से निकालना होगा उसको, क्योंकि ओ भाई देखो मोमेंट स्पीड देखो उसकी। तो गाइस अब देखो ये थैली जो है सीधे अंदर डाल के सीधे उसके अंदर से निकालना चाह रहे हैं अंकल, वो भाई कैसे आएगा भाई वो पानी के अंदर से मैजिक। अब अंकल किस तरीके से लेंगे इसके अंदर देखो, अरे 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 निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है गाइस, उनको निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। देखते अब अंकल, अरे अरे नहीं आएगा, हाथ में नहीं आएगा, आगे 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 आगे, अरे 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 भाई 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 बहुत खतरनाक है गाइस ये शार्क है गाइस, अरे 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 आ गया थैली में, आ गया मजा आया भाई, वो थैली ना फाड़ दे, डबल थैली दे दो वरना थैली फाड़ देंगे तो लोन हो जाएगा। देखो गाइस कितने सारे लोग आके देखने के लिए, तो भाई इतना खतरनाक आओ ना, वो कितना हिल रही है, खा रहे हो क्या मोमोज खा रहे हो खाएंगे ना गाइस आप शाम को जो है संकेत भाई को जिम लगानी है, भैंसे का जो है पेट बाहर निकल गया है तो कैसे, हमने जहाँ पे जिम लगाई है वहाँ पे संकेत भी लगाएगा जिम, तो कैसे वो इतना बड़ा शार्क जो है गाइस हम लोग इस पन्नी के अंदर है, हमको दिख नहीं रहा, वो डबल पन्नी है उसकी वजह से, देखो गाइस कैसे कर रहा है वो, ये देखो इतना बड़ा शार्क जो है गाइस इतने बड़े इसके अंदर, देखो गाइस कैसे झटका मार के जो है गाइस पन्नी फाड़ रहा है, पता है हरामी हो भाई जो है गाइस यहाँ पे शार्क के टैंक में हाथ डालने वाले, जो चैलेंज दिया था 1,00,000 बंदे लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे, हाथ डाल ऐसा काटा तो हाथ गया तेरा शार्क, और सही में डर गए मेरे तो एल लग गए क्या, काटा लग गया भाई, अरे बाप ये क्या इधर लगा, नहीं
ये पहले से नाटक करता है साला, पहले से है ना यार, अब भी लगा उधर ही वापस लगा दे साला, कोई फेंकना इससे सीखे भाई उधर ही वापस साले। क्या लगता है गाइस आपको, ये काटा है क्या, ये काटा है? दस दिन पहले की जख्म दिखा के हमको एड़ा बना रहा है भर गई थी वो। ये ऐसे भैंसे जो है हमको बहुत एड़े बना के चले गए भाई गाइस, इसलिए हम भैंसा बोलते हैं इसको, भैंसा बोल बोल के इसकी हरकत भी उसकी जैसे हो गई। तुमने बोलने लगा तो मैं खुद ने मान लिया। अच्छा हमको सिखा रहा है। दिक्कत क्या है कि हम लोग ट्रिपल सीट आए थे स्कूटी पर से, यही पे है घर पास में मेरा, पेट्रोल का पैसे चाहिए। तो अभी वो शार्क हो जाएगा तो हम लोग इसको लेके इधर रह के चलाएंगे, तो भाई अब इसको लेके जाते हैं। चाबी दे मैं चला था। अबे मुंह चल रहे, मैं चलाऊंगा, निकल पहली फुर्सत में निकल। अभी हम लोग घर पे आ चुके हैं और गाइस अभी पापा और मम्मी घर पे, इतना बड़ा फिश देख के बार बार गाइस मैं बार बार नए नए फिशेस लेके आता हूँ, तो भाई पापा जो है गाइस अब गलत चिल्लाने वाले, गलत चिल्लाने वाले। संकेत भाई छुपा के रखा, पहले छुपा के रखता हूँ आप लोगों के लिए एक सरप्राइज। इतना बड़ा फिश एक और ठीक है, उधर भी गाइस, इधर भी गाइस बहुत सारे फिशेस है, गेमिंग रूम के अंदर भी दो। अरे गाइस उसको दिखा रहे, अरे फाड़ देगा वो, फाड़ देगा उसको, देखो कैसे दिखा रहे पूरा। अरे अरे फाड़ने का कोशिश कर रहा है वो उसको, क्या ही करे भाई, कैसे काटता। अरे संकेत को ही काटता है वो, ठीक है देखो जो आप देखो सबकी उंगलियां रखते हैं, किसी को काटेगा नहीं, ठीक है देखो संकेत संकेत को ही काटेगा गाइस, वो हमको नहीं काटेगा देखना। संकेत अभी बीच में रख, अभी तेरी उंगली बीच में रख। हाँ तेरी उंगली बीच में रखा, अरे रुक रुक कंफ्यूज हो गया वो, मेरे को नहीं काटता, इसको दिख नहीं रहा शायद, मेरे को नहीं काटता, देखो गाइस संकेत को ही काटेगा वो। क्या गुंडा बनेगा रे तू। सो गाइज यहाँ पे देख सकते हो शार्क पूरी शांत बैठी है यहाँ पे एकदम, मतलब कितनी खतरनाक दिख रही है। देखो गाइज उसको ऊपर का काटा देखो। अब गाइज ये जो है इस वाले टैंक के अंदर जाने वाली है, ठीक है संकेत भाई रेडी हो तुम? नहीं पकड़ो इसको, पकड़ो, बहुत ज्यादा हेवी है गाइज, अब ये मेरे को जाते जाते काट ना ले ऐसा डर लग रहा है। अरे सो गाइज अब यहाँ से सीधे हम लोग उधर पानी के अंदर डालने वाले। अरे 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 जा भाई जा, गई 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 गई। अब गाइज जो दूसरा चिकलेट है वो डर जाएगा उसके लिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, उसका कलर देखो गाइज चिकलेट का, ये दोनों साथ में रहेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा वो डर डर के मारे वो उधर ही रहेगी, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा यहाँ पे पानी में गंदगी है, कोई दिक्कत नहीं है, पानी साफ करेंगे और फिल्टर लगने के बाद साफ हो जाएगा। लेकिन देखो गाइस कितनी बड़ी है गाइस विशाल भाई साहब, मजा आया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। तो गाइस अब दिल्ली IIT इवेंट के लिए जाने वाला, उधर बहुत मजा आने वाला है, बहुत सारे ओपी ब्लॉग्स आने वाले दिल्ली IIT के। तो और गाइस 26 मार्च को अपना मीटअप भी होने वाला है संभाजी नगर के अंदर, उस मीटअप के लिए कौन कौन एक्साइटेड है मुझे कमेंट करके बताना, संभाजी नगर औरंगाबाद से कौन कौन है मुझे वो भी बताना कमेंट सेशन में जाके। और संकेत भाई तुम इतने शांत क्यों, तुम इसको ना गाइस मोमोज चाहिए थे, उसके वजह से मोमोज दिए नहीं है शाम को, अब मुझे बता। तो शाम को देने वाला हूँ इसको, जिम लेके जाऊंगा तब, ठीक है, और इससे जिम करवा के इससे मसल्स बनवाऊंगा मेरे जैसे। सब क्या देखना पड़ रहा है भाई, शार्क एकदम शांत है, अभी थोड़ा सा डरा हुआ है गाइस, थोड़ी देर बाद घूमने फिरने लग जाएगा इस टैंक के अंदर।